लास्ट क्लास में हम लोगों ने कस्टम एक्ट के बारे में बात की थी। कस्टम्स एक्ट 1962 कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 दो तरह की ड्यूटीज इसमें मिलती हैं। फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल इंपोर्ट ड्यूटीज के लिए है, सेकंड शेड्यूल हम लोग का एक्सपोर्ट ड्यूटीज के लिए है। दो तरह की ड्यूटीज इसमें मिलती हैं, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी एंड स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। कस्टम्स रूल्स बताए गए जाएंगे, इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल, एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स और बैगेज रूल्स। ठीक, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स एंड लास्ट था केस लॉस। हम लोगों ने जो ड्यूटीज़ देखी थी, सात तरह की कस्टम ड्यूटी देखी थी, कितने तरह की, और कस्टम का मतलब मैंने बताया था इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कैसे बनती है, इंपोर्ट पर और एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट पर जो ड्यूटी बनती है उसको हम कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, और एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी बनेगी उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी। बोलो ना, इंपोर्ट का मतलब होता है गुड्स इनटू इंडिया, गुड्स ब्रिंगिंग आउटसाइड इंडिया, हाँ या ना। जब हम हिंदुस्तान से सामान आउटसाइड इंडिया ले जाएं, गुड्स और गुड्स को डिफाइन किया गया था सेक्शन 222 में। गुड्स का मतलब होता है व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। पहली चीज गुड्स का मतलब वेसल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट। स्टोर्स बैगेज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और लास्ट एनी अदर मूवेबल आइटम्स। ठीक है ना, बैगेज में अकम्पेंड बैगेज और अनअकम्पेंड बैगेजेस दोनों शामिल हैं। कोई भी सामान जो इंडिया में आएगा आउटसाइड इंडिया से और जो सामान इंडिया से बाहर जाएगा, दोनों शामिल हैं कस्टम ड्यूटी में, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंडिया को डिफाइन किया गया था, इंडिया मींस लैंड मास ऑफ इंडिया बट एक्सक्लूड इंडिया मींस हाँ बोले लैंड मास ऑफ इंडिया बट एक्सक्लूड 100% EOU SEZ HTP एंड STP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल लाइन ऑफ द इंडिया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया की मीनिंग भी समझ में आई थी। 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स कहलाता है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अगले 12 नॉटिकल माइल्स कहलाते हैं इंडियन कस्टम वाटर, और अगले 176 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, और वो भी इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। और उस 200 किलोमीटर के बाद इंटरनेशनल वाटर एरिया है। जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं और दूसरे 12 नॉटिकल माइल्स इंडियन कस्टम वाटर तक, इन दोनों को मिला करके कंटिजियस जोन ऑफ इंडिया माना जाता है 24 नॉटिकल माइल्स को। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सात तरह की ड्यूटीज बताई गई थी, कस्टम ड्यूटी सात तरह की होती हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी,
countervailing duty, a special duty, protective duty, safeguard duty, anti-dumping duty and countervailing duty on subsidized article. ये सात तरह की duties हम लोगों ने देखी थी. Discussion करना बाकी है, लेकिन बता दिया था हाँ ये सात तरह की duties होती हैं. हम लोगों ने charging section देखा था कि normally ये provisions follow होंगे, otherwise जब तक act कुछ और ना बोले तब तक. कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड, चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 12 बताया गया था. कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड एट सच रेट एज स्पेसिफाइड बाय द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975. हाँ या ना? एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड एंड गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. बोलो ना. और इसके बाद मैंने बताया था कि इन गवर्नमेंट गुड्स हों या नॉन गवर्नमेंट गुड्स हों, दोनों को हम लोग एक जैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं. ये भी क्लियर हो गया था. अच्छा, गुड्स की डिफाइन किया गया था मैंने. पहला प्रोहिबिटेड गुड्स, ना वो सामान आप ला सकते हो ना सामान ले जा सकते हो, सामान प्रतिबंधित है, बिल्कुल किनारे बैंड है. एक नोटिफाइड गुड्स है, इंपोर्ट नहीं कर सकते बेटा, स्मगलिंग की चांसेस हैं, उसको कहते हैं नोटिफाइड गुड्स. ऐसे गुड्स जिनको नोटिफाई किया गया है, इसका मतलब वो गुड्स स्मगल हो सकते हैं इनटू इंडिया, हो सकते हैं, उनको कहा गया नोटिफाइड. और स्पेसिफाइड गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको स्मगल किया जा सकता है आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट में, उनको कहा जाता है स्पेसिफाइड गुड्स, उनको भी रोका गया है. एक होता है ट्रांजिट गुड्स, सामान अभी अनलोड नहीं हुआ, जहाज पर ही है लेकिन इंडियन टेरिटोरियल वाटर में है, उसको हम कहेंगे ट्रांजिट गुड्स. बोलो. ट्रांसशिपमेंट गुड्स, सामान अनलोड कर लिया गया है, वेट कर रहा है दूसरा जहाज आए तो हम उस पर चढ़े, इसको हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट गुड्स. और एक और बताया था कोस्टल गुड्स, सामान हिंदुस्तान का ही है, हिंदुस्तान के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जा रहा है, उसको हम कहते हैं कोस्टल गुड्स. क्लियर है. आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर. और इससे हम लोग के कुछ नए वॉकअप्स क्लियर होंगे, नई टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी. जो हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर देखेंगे उसमें मैक्सिमम पॉइंट आपका कवर करेगा इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर. अगर हमको इंपोर्ट प्रोसीजर तैयार हो जाए तो हमें टेंशन नहीं होगी एक्सपोर्ट प्रोसीजर की. और अगर ये चीज क्लियर हो गई तो बेटा समझ लो कस्टम में ज्यादा टेंशन नहीं आने वाली, ठीक है ना. अब बहुत आसान है इंपोर्ट प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर. सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है इंपोर्ट प्रोसीजर की. ये इंपोर्ट प्रोसीजर क्या है, कैसे होता है, कहानी समझे. बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपके स्टडी मटेरियल में दे भी रखा है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, कहीं कोई टेंशन नहीं है. सबसे पहले अगर हमको सामान विदेश से मंगाना होगा, विदेश की बात करते हैं, सबसे पहले सामान शिप में रखाएगा, लोड होगा, नहीं होगा वहाँ की शिप में सामान लोड होगा. जो वेसल और एयरक्राफ्ट होता है और जो हमारा व्हीकल होता है, उनके पर्सन इन चार्ज होते हैं. क्या होते हैं? पर्सन इन चार्ज. कंडक्टर हो सकता है, पायलट हो सकता है या कैप्टन हो सकता है. पक्की बात है ना? क्लियर है. ये हमारे पर्सन इन चार्ज होते हैं, पर्सन इन चार्ज.
लैंडिंग और कॉलिंग ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, सबसे पहले सामान वहां से चला, कहां से? विदेश से, हमें उससे मतलब नहीं है। इंडियन कस्टम ऑफिसर्स को उससे क्या लेने देना, कोई सामान कहां से चला, कहां से चला? मतलब तो तब होगा जब वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर कर जाएगा। कंफ्यूजन में ही सही बेटा, अगर तू इंडियन टेरिटोरियल वाटर यानी 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ गया तो तुमको तो टैक्स दिए बिना जाना नहीं है। क्लियर है, पक्की बात? तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही जहाज एंटर करता है उसको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, कैसे देनी पड़ती है, जरा देखिए। लैंडिंग और कॉलिंग ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, हम यहां केवल वेसल और एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, अभी मैंने व्हीकल की बात नहीं की। वेसल एंड एयरक्राफ्ट, इन केस गुड्स आर इंपोर्टेड बाय सी और एयर द गुड्स शैल बी लोडेड इन द वेसल और एयरक्राफ्ट इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड सेंट टू इंडिया। कोई नई चीज तो बताओ ना, ये तो हम भी जानते हैं कि अगर सामान हिंदुस्तान में आएगा पहले वहां पर लोड होगा, फिर वहां से जहाज चलेगा तभी आ पाएगा, अदरवाइज कहां से आ पाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ इंपोर्ट बाय लैंड द गुड शैल बी सेंट इन अ व्हीकल। तो कोई नई चीज बताओ ना, सामान जहाज से आएगा, हवाई जहाज से तो एयरक्राफ्ट से आएगा, समुद्र के रास्ते भेजोगे तो वेसल से आएगा, सड़क के रास्ते भेजोगे तो व्हीकल से आएगा, कुछ नया बताओ। ये भी बता रहा है कि वहां से जब सामान चलेगा तो पहले सामान लोड होगा ट्रक पे, एयरक्राफ्ट पे और वेसल पे, ना बताओ, हमें मालूम है वहां से सामान चल रहा है तो अकेले दौड़ कर नहीं आएगा, वो किसी न किसी चीज पर आएगा। व्हेन द वेसल और एयरक्राफ्ट कैरिंग इंपोर्टेड गुड्स अराइव्स इन इंडिया, ओ प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, जब वो इंडिया में अराइव हुआ। द पर्सन इन चार्ज, द पर्सन इन चार्ज एंटरिंग इन टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कोई नई चीज नहीं है, शैल अलाउ और कॉलिंग लैंडिंग ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट ओनली एट द कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट। वहां से हवाई जहाज चला और मेन रोड पर उतर गया, ऐसा भी नहीं है वहां से हवाई जहाज चला किसी खेत में उतर गया, वो भी पॉसिबल नहीं है, मेरी बात समझना। वो उतरेगा तो कहां पे, कस्टम पोर्ट पे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है छोटे हवाई जहाज कहीं भी उतार दो, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई जहाज बाहर से आ रहा है और ऊपर से जा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर से, पाकिस्तान का जहाज जा सकता है, नहीं जा सकता, मना कर दोगे क्या उसको? मना कर देंगे, और मना करने पर ना माने तो लंगर बांध करके उसको फेंकेंगे, क्यों मतलब उड़ा देंगे, पक्की बात है ना। वेसल में लंगर लगता है, इसमें थोड़ी लंगर लग पाएगा, लंगर का मतलब जानते हो ना, जो हुक होता है, हाँ एंकर, देखो अरे मालूम है। When the vessel or craft carrying imported goods arrives in India, the person in charge shall calling or allow to land at the specific area, means एक specific area में ही उतरेगा, और specific area क्या होगा, custom port या custom airport, कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट। क्लियर, सबसे पहले उसको प्रेस्क्राइब किया जाएगा, उसको कहा जाएगा भैया तुमको उतरने की जगह यही है, जहां मन में आएगा वहां उतर नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ अगर कोई अर्जेंसी है, फ्यूल खत्म हो गया, जहाज में कोई प्रॉब्लम आ गई टेक्निकल, तो उसको कहीं भी उतरने की परमिशन दी जा सकती है एक्सेप्शनल केसेस में। क्लियर, डिलीवरी ऑफ इम्पोर्ट और मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट, जब सामान वहाँ से आया, जैसे ही इंडिया में आया, तो सबसे पहले पर्सन इंचार्ज का काम बनता है कि वो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट रिपोर्ट कस्टम ऑफिसर के सामने ले जाए। इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट रिपोर्ट, जब व्हीकल के थ्रू आएगा तो इम्पोर्ट रिपोर्ट, जब वेसल और एयरक्राफ्ट के थ्रू आएगा इम्पोर्ट मैनिफेस्ट, जब वेसल और एयरक्राफ्ट के आएगा तो जो रिपोर्ट देगा उसको हम कहेंगे इम्पोर्ट मैनिफेस्ट, और जब व्हीकल के थ्रू आएगा तो उसको कहेंगे इम्पोर्ट रिपोर्ट। क्लियर है, हाँ या ना। सबसे पहले वो किसको हैंडल करेगा, हैंड ओवर करेगा वो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट रिपोर्ट, कस्टम ऑफिसर्स को। द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ वेसल और क्राफ्ट शेल डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर एन इम्पोर्ट मैनिफेस्ट
जिसमें डिटेल रहती है इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स इन वेसल और एयरक्राफ्ट। पहले भी मैंने बताया है कि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी कि उस वेसल और एयरक्राफ्ट में कौन कौन से सामान हैं, वो हम जा करके चुपचाप पर्सन इंचार्ज को प्रॉपर ऑफिसर को, कस्टम ऑफिसर को सौंप देंगे। बाई प्रेजेंटिंग द सेम इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर द अराइवल ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट एट द कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट। इन केस ऑफ इम्पोर्ट बाई लैंड द पर्सन इन चार्ज ऑफ द व्हीकल शैल डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर एंड इम्पोर्ट रिपोर्ट। बस सेम वही चीज कहा गया, अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट के थ्रू इंडिया में सामान ला रहे हैं, वेसल एंड एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो आप इम्पोर्ट मैनिफेस्ट भर लीजिए, आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप व्हीकल के थ्रू ला रहे हैं तो आपको इम्पोर्ट रिपोर्ट भरनी पड़ेगी। किसको भरनी पड़ेगी? इम्पोर्ट रिपोर्ट। विद इन 12 आवर्स ऑफ द अराइवल ऑफ व्हीकल, ठीक है, ग्रांट ऑफ एंट्री एनवर्ड। सामान ये हमारी फॉरेन कंट्री है, यहां से ये बहुत बड़ा शिप है चला और ये इंडिया है। अच्छा, इस बहुत बड़े शिप में केवल एक इंपोर्टर का सामान होगा या ढेर सारे इंपोर्टर्स का सामान होगा? मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, केवल एक इंपोर्टर से रिलेटेड सामान होगा या हिंदुस्तान के 100-200 लोगों ने माल मंगाया होगा, सबका लद करके आ रहा होगा सबका? इसका मतलब इसका जो पर्सन इंचार्ज होगा वो अपने यहां इंपोर्ट मैनिफेस्ट तैयार करके रखेगा, यानी ऑल द डिटेल्स और इंफॉर्मेशंस ऑफ गुड्स, गुड्स और गुड्स की डेफिनेशन तुम लोग को मालूम है क्या है, वेसल एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, बैगेजेस, स्टोर्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनी अनदर मूवेबल आइटम, क्लियर है ना? वो अगर वेसल और एयरक्राफ्ट के थ्रू आ रहा है तो सारी इंफॉर्मेशन इंपोर्ट मैनिफेस्ट में रखेगा, और अगर रोड के थ्रू आ रहा है तो वो इंपोर्ट रिपोर्ट तैयार रखेगा। कौन तैयार रखेगा? पर्सन इन चार्ज, क्लियर है, पक्की बात। सामान सबसे पहले आया इंडिया में तो उसको एक प्रॉपर प्लेस दिया जाएगा कि आप इन्हीं जगहों पर आकर के रुक सकते हैं, आपकी जहां मर्जी हो वहां आप जहाज को या वेसल को रोक नहीं सकते, अदरवाइज जहाज तक सीज हो जाते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, ग्रांट ऑफ एंट्री एंड वार्ड, सामान यहां पर आकर रुक गया, जहाज रुक गया, अब वो इंतजार कर रहा है कि हमको एंट्री इन वार्ड दिया जाए, गेट पास दिया जाए। अब गेट तो लगा नहीं है समुद्र में, हवा में, तो उनको एंट्री एंड वार्ड दिया जाता है, अंदर आने की परमिशन, हाँ या ना, अंदर आने की परमिशन। ऑन रिसीविंग इंपोर्ट मैनिफेस्ट फ्रॉम द मास्टर ऑफ अ वेसल द प्रॉपर ऑफिसर शैल ग्रांट एंट्री एंड वार्ड टू द मास्टर। अब ऐसा नहीं कि वहीं पर रह करके सारी इंस्पेक्शन करेंगे, अच्छा वहीं पर दिखा दो पहले बम तो नहीं, अरे भैया पहले अंदर आ जाओ उसके बाद हम देखेंगे क्या सामान है क्या नहीं है। आपने इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट दाखिल कर दी, अब हम आपको एंट्री एंड वार्ड देते हैं, क्या देते हैं? एंट्री इन वार्ड देते हैं। द मास्टर ऑफ द वेसल शैल नॉट परमिट द गुड्स टू बी अनलोडेड अनटिल एंट्री एंड वार्ड हैज बीन ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। जब तक एंट्री इन वार्ड ना दी जाए तब तक आप सामान को उतारना मत, बिना एंट्री इन वार्ड लिए आप सामान को उतार नहीं सकते, अनलोड नहीं कर सकते। डेट ऑफ एंट्री इन वार्ड इज द डेट एट विच वेसल फाइंड्स अ बर्थ प्लेस फॉर डिस्चार्ज ऑफ कार्गो। मैंने लास्ट टाइम भी तुम लोग को बताया था कि उसमें भी बर्थ अलॉट होता है, जिस तरह ट्रेन में बर्थ अलॉट होता है उस तरह जहाजों को, वेसल को भी, एयरक्राफ्ट को भी क्या अलॉट होता है? बर्थ अलॉट होता है। तो एंट्री इन वार्ड का मतलब आपको एक कन्फर्म टिकट मिल गई कि अब आप अपना सामान अनलोड कर सकते, क्लियर है? अब तक हम लोगों ने क्या देखा, आउटसाइड इंडिया से सामान सबसे पहले लोड किया जाएगा, चाहे व्हीकल में, चाहे वेसल में, चाहे एयरक्राफ्ट में, सामान इंडिया के लिए मूव करेगा। जैसे ही इंडिया के अंदर सामान आएगा उसके बाद यहाँ का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये बंदा इंपोर्ट मैनिफेस्ट कस्टम ऑफिसर को सौंपेगा वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में, और अगर व्हीकल का केस है तो इंपोर्ट रिपोर्ट सौंपेगा कस्टम ऑफिसर को, ठीक। इनके केस में इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जा सकता है, हम लोग इंपोर्ट मैनिफेस्ट ऑनलाइन कर सकते हैं,
इनके केस में भी 12 घंटे पहले की परमिशन दी गई है। आप चाहें तो पहले जाकर के इम्पोर्ट रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं ताकि प्रोसीडिंग्स जितना जल्दी हो उतना जल्दी ख़त्म होकर के सामान अंदर आ जाए। जैसे ही जहाज आएगा उसके बाद ये परमिशन मांगेगा अंदर आने की, परमिशन मांगेगा, कॉल किया जाएगा, परमिशन होगी, एंट्री इन वार्ड दिया जाएगा, और जब तक एंट्री इन वार्ड न दिया जाए तब तक इस पर्सन इंचार्ज को परमिशन नहीं है कि किसी भी सामान को अनलोड कर ले। क्लियर है? अच्छा जी, अनलोडिंग ऑफ द गुड्स अब खत्म। इंपोर्टेड गुड्स शैल बी अनलोडेड ओनली इफ द मेंशन इन द इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। जब तक इंपोर्ट मैनिफेस्ट में अगर कोई सामान लिखा है उसी को आप अनलोड कर सकते हो, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में सामान नहीं लिखा है तो उसको आप, इसका मतलब आपने गलत इंपोर्ट मैनिफेस्ट दिया है। बात समझ में आई? चलो, ओनली एट द अप्रूव्ड प्लेसेस इन एनी कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट, केवल अप्रूव्ड प्लेस पर ही आप लोड कर अनलोड कर सकते हो सामान अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। ऐसा नहीं कि कोई ऑफिसर नहीं है, चलो सामान रखो अपने चल लिए, बाद में पता चला सामान लोड हुआ था अनलोड हुआ था नहीं हुआ था गॉड नोस या हू नोस, कोई नहीं जानता कि सामान अनलोड हुआ भी था या नहीं। तो कस्टम ऑफिसर के का प्रॉपर ऑफिसर के प्रेजेंस में आपको सामान अनलोड करना पड़ेगा ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ओह, संडे और हॉलीडेज के दिन आप अनलोड नहीं कर सकते क्योंकि संडे को तो छुट्टी पर रहेगा, संडे को परमिशन देंगे तो ऑफिसर रहेगा कहाँ। क्लियर है? तो अनलोडिंग ऑफ द गुड्स टू बी इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन अंडर अंटिल देयर क्लियरेंस। सामान जो अनलोडेड गुड्स है वो अब पोर्ट पर रखा रहेगा, प्रॉपर प्लेस पर रखा गया, अनलोड हो गया, ऐसा नहीं जहां आया वहां उतार दो, प्रॉपर प्लेसिंग हो गई। कस्टोडियन अब उसका इंचार्ज हो जाएगा, एक गार्ड कस्टोडियन जिसके अंडर में वो सामान रहेगा। अगर सामान गायब हो गया तो उसकी जिम्मेदारी, तो सरकार को जो ड्यूटी का नुकसान होगा कौन भरेगा? कस्टोडियन भरेगा। अगर सामान गायब हो गया या कम पाया गया तो जितनी ड्यूटी का नुकसान होगा कस्टोडियन पर्सनली लायबल होगा। क्लियर है? जब तक वो सामान क्लियर नहीं हो जाता, क्लियरेंस नहीं हो जाता, तब तक वो सामान की जिम्मेदारी कस्टोडियन की रहेगी। हाँ बोलो। अरे बेटा, ये कस्टम ऑफिसर रखेगा कस्टोडियन को, ये वेस्टर्न एयरक्राफ्ट का क्या मतलब? वो सामान वहाँ से लाया अपने देश से, हमारे देश में इंपोर्ट करके चला गया, सामान रख करके चला गया, उसका जेंडर ख़त्म, उसने कहा हम ये सामान रख रहे हैं, यहाँ के ऑफिसर ने साइन किया और उसको परमिशन दे दी, अब तुम जाओ, वो तो चला गया, अब सामान हिंदुस्तान में आकर रखा हुआ है पोर्ट पर। ये क्या है? इम्पोर्ट है। ये कौन सा गुड्स है? इम्पोर्टेड गुड्स है। ये इम्पोर्टेड गुड्स है, ये अभी ड्यूटी कहाँ पे हुई है? अभी तो वो मालिक, जो उस सामान का मालिक है, वो अपनी अपने घर पे बैठकर आराम फरमा रहा है। वो अभी अपने घर पे क्या फरमा रहा है? आराम फरमा रहा है। वो दौड़ा दौड़ा आएगा, वो दौड़ा दौड़ा आएगा, वो बिल ऑफ एंट्री भरेगा। क्या भरेगा? बिल ऑफ एंट्री, कि हम आ गए, हम अपना सामान लेने आ गए। अब इतने बल्क में उसका कुछ सामान होगा, वो बिल ऑफ एंट्री भर करके देगा कि मैंने ये सामान मंगाया था, यहाँ से ये सामान इस जहाज से आपके पोर्ट पर उतरा है, एज द इंफॉर्मेशन पासिस ऑन। क्लियर? हम ये सामान लेने आए हैं, तो इसको कहा जाता है बिल ऑफ एंट्री। क्या कहा जाता है? बिल ऑफ एंट्री। द इम्पोर्टर ऑफ एनी गुड्स, इम्पोर्टर, अब तक कहीं भी इम्पोर्टर की बात नहीं की, जितना भी प्रोसेस चला कहीं भी इम्पोर्टर की बात तो हमने की ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इम्पोर्टर का काम हुआ, क्योंकि अब इम्पोर्टर अपने घर से निकलेगा सामान रिलीज करवाने के लिए। हाँ या ना? तो इम्पोर्टर ऑफ एनी गुड्स अदर, इम्पोर्टर ऑफ एनी गुड्स अदर देन गुड्स इंटेंडेड फॉर ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टम स्टेशन और एयरपोर्ट, यानी कि वो बिल ऑफ एंट्री फिलअप करेगा ताकि वो सामान को रिलीज करवा सके, सामान को रिलीज करवा सके, बिल ऑफ एंट्री में उन सामान की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। इन केस द गुड्स आर टू बी क्लियर्ड, अब सामान सुनना ढंग से, ये पोर्ट है, ये सामान यहाँ पर पोर्ट पर रखा हुआ है, इतना सामान किसका है? इस इम्पोर्टर का है। ये बिल ऑफ एंट्री में इंफॉर्मेशन दे देगा कि हमको ये सामान निकलवाना है। अब ये सामान दो जगह निकल सकता है, मेरी बात ढंग से सुनना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से सामान वो अपनी फैक्ट्री यानी कि यूज़ करने के लिए ले जाना चाहता है, पहली चीज, जिसको हम कहते हैं होम कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? होम कंजम्पशन, यानी अब सामान को यूज करने के लिए ले जा रहा है, चाहे मैन्युफैक्चर करने में चाहे यूज करने में, व्हाटएवर द केसेस, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है।
या तो वो गुड्स को क्लियर करवा रहा है होम कंजम्पशन के लिए, अगर वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा रहा है तो पहले बेटा ड्यूटी पेमेंट करो, सामान तुम ले जाओ। ड्यूटी कैसे होगी? सेल्फ असेसमेंट करेगा वो, यहां भी सेल्फ असेसमेंट, यानी आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, आप खुद असेसमेंट करो, आओ बताओ कितना सामान है, आप ड्यूटी पे करो और जाओ। लेकिन अगर डाउट हुआ कस्टम ऑफिसर को तो वो रीअसेसमेंट करेगा, आपके असेसमेंट को रीअसेस्ड करेगा और ड्यूटी को फाइंड आउट करके आपको बताएगा इतनी ड्यूटी दो फिर निकलो, बोलो ना। और ड्यूटी पेमेंट करने के बाद वो चाहे तो अपना सामान निकाल सकता है, बोलो। चलो, असेसमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। असेसमेंट इज द प्रोसीजर ऑफ क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। असेसमेंट का मतलब क्या है? कस्टम ऑफिसर को क्या चाहिए? कस्टम अथॉरिटीज को टैक्स चाहिए, ड्यूटी चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी चाहिए, कस्टम ड्यूटी चाहिए, उनको वो ड्यूटी दे दो, अपना सामान ले जाओ। उन लोगों ने रखना थोड़ी है अपने पास। अंडे मंगाए हो, क्या मंगाए हो? अंडे मंगाए हो, पता चला अंडे तो हम बाद में ले जाएंगे, आप ड्यूटी बाद में लेना। तो ऐसा नहीं है कि सामान रखे रहोगे हमेशा, उनके डेज होते हैं, पेरिशेबल नेचर का सामान है, कितने दिन आप रख सकते हो पोर्ट पर, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट बीत जाएगा तो उसके बाद डिमरेज चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं आपके ऊपर। कौन से चार्जेस? डिमरेज चार्जेस अप्लाइड होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब आपसे वो रेंट वगैरह मांग रहे हैं कस्टम ऑफिसर, आप एक टाइम लिमिट तक वहां पर सामान रख सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं रख सकते। क्लियर है? और अलग अलग सामानों की अलग अलग ड्यूरेशन भी है कि किस तरह के सामानों को कितने दिन तक होल्ड किया जा सकता है कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पर। चलो, पहले तो हम टाइमिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री बता दें। हाउएवर अ बिल ऑफ एंट्री, जाहिर सी बात है इंपोर्टर आएगा, अपनी बिल ऑफ एंट्री ले आएगा कस्टम पोर्ट के पास। क्या ले आएगा? बिल ऑफ एंट्री ले आएगा कि मेरा ये सामान रिलीज कर दो। वो चाहे तो जहाज के आने के पहले, वेसल और एयरक्राफ्ट के आने के पहले भी बिल ऑफ एंट्री भर सकता है, 30 दिन पहले तक। अरे, जो जहाज होते हैं वो महीनों महीनों तक रास्ते में होते हैं, वहां से चले हुए 3 महीने हो गए, अब हिंदुस्तान में जब पहुंच जाए तो हम पहले ही बिल ऑफ एंट्री दे देते हैं कि भाई मेरा प्रोसीजर तो जल्दी होगा, मैं इंपोर्टर हूं, मैं क्या चाहूंगा सामान पड़ा रहे पोर्ट पे, अरे मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, जल्दी से जल्दी हम सामान को ले आना चाहेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे इंपोर्टर्स के लिए कहा गया आप एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं 30 दिन पहले भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, असेसमेंट ऑफ ड्यूटीज, तो इंपोर्टर क्या करेगा? ड्यूटी को असेस करके फाइल कर देगा और कहेगा मैं ये ड्यूटी पे करने को तैयार हूँ। अगर कस्टम ऑफिसर रीचेकिंग करता है या देखता है कि उसको कुछ गलत नज़र आता है, ड्यूटी गलत तरीके से पे की जा रही है, कम पे की जा रही है, तो उसका वो रीअसेसमेंट करके वो फाइनल ड्यूटी का पेमेंट करवाने के लिए बोलेगा। बोलो ना। अच्छा, इफ द गुड्स आर क्लियर टू बी स्टोर्ड, द प्रॉपर ऑफिसर शैल रिटर्न द बिल ऑफ एंट्री टू द इंपोर्टर आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्यूटी अमाउंट। क्लियर है? वो उसको बिल ऑफ एंट्री वापस कर देगा कि ठीक है आपका इतना अमाउंट बनता है। ये पहला तरीका है। अगर उसने ड्यूटी पे कर दी तो वो सामान को अपने होम कंजम्पशन ले जा सकता है। अब ये सामान इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, अब इट बिकम्स पार्ट ऑफ द इंडियन गुड्स, क्योंकि ड्यूटी जैसे ही पे हुई अब वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहा, अब वो इंडियन गुड्स में कन्वर्ट हो गया। अब इंपोर्टेशन का प्रोसेस खत्म। इंपोर्टेशन का प्रोसेस तब तक था जब तक वो कस्टम बैरियर में था सामान। इंपोर्ट स्टार्ट व्हेन द गुड्स क्रॉसेस इंडियन टेरिटोरियल वाटर। 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जैसे ही सामान आया था इंपोर्ट स्टार्ट हो गया था। और कब तक रहा इंपोर्ट? जब तक कि ड्यूटी नहीं पे कर दी गई, जब तक वो कस्टम बैरियर में था। एक बार आपने ड्यूटी पेमेंट कर दी, इट मींस नाउ द गुड्स हैज बीन रिलीज, अब हमारा कोई टेंशन नहीं, तुमने पैसा दे दिया ले जा बेटा। बोलो। दूसरा, जरूरी नहीं कि सामान हम यहां से ले जाएं होम कंजम्पशन के लिए। मैंने 5 लाख किलोग्राम सामान मंगवाया था और उसकी ड्यूटी 10 रुपये पर केजी के हिसाब से थी, मुझे जेब से कितनी ड्यूटी पे करनी है? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए ड्यूटी पे करूं, मेरे जेब में पैसे नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या? अब सामान यहां आ गया, अब कस्टम ऑफिसर उस जहाज को दोबारा बुलाएगा नहीं और कहेगा नहीं वापस ला दो सामान, पैसा नहीं दे रहा। मेरी बात समझना, वो कर नहीं सकता ऐसा, तो वो करेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि तुम कहीं गए
यहाँ से 20 किलोमीटर जर्नी की है, टैक्सी वाले से कहो पैसा तो हम भूल गए, हमें वापस छोड़ दो, तो ऐसा तो है नहीं, वो उल्टा डबल लॉस क्यों करेगा अपना, एक लॉस तो बर्दाश्त किया, दूसरा लॉस क्यों बर्दाश्त करेगा, वो आएगा, वापस आएगा। अगर आप उसको ये एश्योरेंस दे दें कि वापस छोड़ दो, वहाँ मेरे पास पैसे पड़े हुए, वहाँ से दोनों टर्न का ले लेना, आने और जाने का, तो यहाँ तो गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी नहीं कि आ जाओ, इम्पोर्टर पैसा नहीं दे रहा, सामान वापस ले जाओ, हमसे पैसा ले लेना, ऐसा तो गवर्नमेंट करने नहीं जा रही। तो इन टोटालिटी सामान अब पोर्ट पर रखा हुआ है, इम्पोर्टर के पास पैसा नहीं है, और गवर्नमेंट करे भी तो क्या करे, गवर्नमेंट कहती है पोर्ट पर सामान आप ड्यूरेशन तक रख सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं रख सकते। तो आप एक काम कर सकते हो, सामान को वेयर हाउसिंग में रखवा लो, वेयर हाउस गोडाउन में, प्राइवेट वेयर हाउस और पब्लिक वेयर हाउस दोनों होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, हम पब्लिक वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, तुम लोग को अभी पढ़ना भी नहीं है वो चीज़। तो वेयर हाउसिंग में सामान करवा लो, गवर्नमेंट ने हमको परमिशन दे दी और हमें भी एक मिल गया, गोडाउन मिल गया, रखा रखाया गोडाउन मिल गया गवर्नमेंट का बना हुआ। अपने घर ले जाते तो वहाँ गोडाउन बनाना पड़ता, इतना ज़्यादा सामान हम रखेंगे कहाँ, ऑलरेडी वहाँ सामान पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं सामान धीरे धीरे रिलीज़ करवाएं जब जब जितनी की ज़रूरत हो। हाँ, लेकिन अगर वेयर हाउसिंग करवाते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं किराया नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सब लगेगा बेटा, उसको पे करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो अब आप चाहें तो सामान को कहाँ ले जा सकते हैं, वेयर हाउस के लिए ले जा सकते हैं, यानी क्लियर करवा रहे हैं किसके लिए, वेयर हाउसिंग के लिए। इसका मतलब आई एम नॉट रेडी टू पे द ड्यूटी राइट नाउ, क्योंकि हम उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवा रहे, उसको कहा जाता है इनटू बॉन्ड। तब एक बॉन्ड भरना पड़ता है, क्या भरना पड़ता है, बॉन्ड भरना पड़ता है, इनटू बॉन्ड वेयर हाउसिंग होता है। यानी जब आप वेयर हाउसिंग करने जा रहे हो, सामान को रखने जा रहे होते हैं वेयर हाउस में, तो आपको एक बॉन्ड भरना पड़ता है एक पर्टिकुलर अमाउंट का, कितना, डबल ड्यूटी बॉन्ड होता है, क्या होता है वो हम लोग वेयर हाउसिंग में देखेंगे। एक बॉन्ड भरेंगे, गवर्नमेंट आपका बॉन्ड देखेगी, आपका सामान क्लियर कर दिया जाएगा वेयर हाउसिंग के लिए, आपका सामान यहाँ से निकल जाएगा। अभी भी इम्पोर्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या नहीं मिला, ड्यूटी नहीं मिली, बात समझना, क्लियर है। सामान वेयर हाउस में रखा गया, अब उसके बाद जब जब आप वेयर हाउस से सामान जितना जितना निकालोगे उसकी ड्यूटी पे करके निकालोगे, केवल ड्यूटी नहीं, रेंट, इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी कोई होगी, तो बिना उसको पे किए हुए आप सामान नहीं निकाल सकते। इवन आप लोग जब वेयर हाउसिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग ये देखेंगे कि वेयर हाउस में जा करके हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग की भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सैंपल भी निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल अभी का मैटर नहीं है। तो वेयर हाउसिंग ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, द इम्पोर्टर मे नॉट क्लियर द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन एंड रिक्वेस्ट द गुड्स टू बी वेयर हाउस्ड। सामान को कहाँ ले जाना चाहता है, इम्पोर्टर वेयर हाउस में ले जाना चाहता है। इन सच अ केस ही शैल फाइल एन इन टू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, यानी अब जो बिल ऑफ एंट्री भरेगा कौन सी भरेगा, इन टू बॉन्ड। अब तक वो बिल ऑफ एंट्री नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री भर रहा था, नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री का मतलब हमने आपको बिल ऑफ एंट्री दी, ये मेरा सामान है, इस पर इतनी ड्यूटी बनती है, साइन कर दो, हम अपना पैसा दे दें, आप अपना हम अपना सामान ले जाएं, इसको हम कहते हैं नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री। लेकिन अब हम जो बिल ऑफ एंट्री भर रहे हैं इसके लिए नहीं भर रहे कि सामान हम निकाल कर घर ले जाना चाहते हैं, हम जो बिल ऑफ एंट्री भर रहे हैं इसलिए भर रहे हैं कि अब यहाँ से सामान निकाल कर हम वेयर हाउस में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमरेज चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे कुछ दिन बाद, तो हम उससे बचना चाहते हैं, हम सामान को कहाँ ले जाएंगे, वेयर हाउसिंग के लिए, उसके लिए इन टू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरनी पड़ती है। सामान आपका रखा गया वेयर हाउस में, पक्की बात है, और अब आप जब वेयर हाउस से निकालेंगे तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरेंगे, जब ले जा रहे थे तो इन टू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, और जब वहां से निकाल रहे हो तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरोगे। अरे बोल ना, और उसके बाद जो ड्यूटी एसेस जो कि उसका पे कर दो, रेंट का पेमेंट कर दो, इंटरेस्ट और पेनाल्टी का पेमेंट कर दो, जो नेसेसरी अमाउंट है उनका पेमेंट कर दो, आप अपना सामान ले जा सकते हो। बोलो ना, जितना आप निकालेंगे उतना आप पेमेंट करते जाएंगे, क्लियर हुआ, पक्की बात है, इंपोर्ट प्रोसीजर खत्म। कितना आसान था, सामान वहाँ से चला वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल में, वेसल और एयरक्राफ्ट में चलेगा तो पर्सन इंचार्ज इंपोर्ट मैनिफेस्ट भरेगा, और अगर व्हीकल से चलेगा तो इंपोर्ट रिपोर्ट प्रॉपर ऑफिसर को दे दिया जाएगा। वेसल और एयरक्राफ्ट के थ्रू अगर हम इंपोर्ट मैनिफेस्ट भर आ रहा है तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल हो जा सकता है,
क्लियर। और अगर व्हीकल के थ्रू आ रहा है तो 12 घंटे पहले भी जा करके इम्पोर्ट रिपोर्ट दी जा सकती है। इम्पोर्ट रिपोर्ट का मतलब ऑल द गुड्स, ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गुड्स, किसी भी इम्पोर्टर का हो उससे हमें लेना देना पक्की बात है। अब पर्सन इंचार्ज का ये काम है, सामान यहाँ पर आ गया उसको कॉल किया जाएगा, बर्थ अलॉट किया जाएगा, बर्थ अलॉट किया जाएगा यानी एंट्री एनवॉर्ड दिया जाएगा। और जब तक एंट्री एनवॉर्ड ना दिया जाए सामान को आप अनलोड, और जब भी अनलोड होगा प्रॉपर ऑफिसर के सामने होगा, और कभी भी संडे या हॉलीडेज के दिन नहीं होगा। ये भी क्लियर हो गया। सामान को अनलोड करवा दिया, जहाज अपना आया था और चला गया। अब ट्रेन आई, ट्रेन में मेरा सामान आया, सामान रखा और ट्रेन चली गई। ऐसा थोड़ी मैं जाऊंगा, हमको ट्रेन देखेगी, ड्यूटी दे दिया तब वहां ट्रेन आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। वो अपना काम आगे गया, सामान अब रखा हुआ है। अब किसका काम स्टार्ट होगा? इंपोर्टर का। इंपोर्टर दौड़ा दौड़ा जाएगा, बिल ऑफ एंट्री भरेगा। अगर वो चाहे तो 30 दिन के एडवांस बिल ऑफ एंट्री दे सकता है। क्लियर है? बिल ऑफ एंट्री देगा, असेसमेंट करेगा ड्यूटी की। अगर कस्टम ऑफिसर को लगता है कि सही है तो सामान को होम कंजम्पशन के लिए रिलीज कर देगा, वहीं से होम कंजम्पशन के लिए रिलीज कर देगा, बशर्ते ड्यूटी पेमेंट हो गई। क्लियर? लेकिन अगर सामने वाला ड्यूटी होम कंजम्पशन के लिए सामान नहीं रिलीज करवा रहा बल्कि वेयर हाउसिंग के लिए करवा रहा है तो वो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरेगा और सामान को वेयर हाउस करवा दिया जाएगा। अब उसके ऊपर रेंट, इंटरेस्ट, पेनाल्टी सब चार्ज होगा एज यूजुअल। बोलो, पक्की बात है? सामान जब वो वेयर हाउस से निकलवाएगा तो उसको हम कहेंगे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, दैट्स इट। और वहां से वो पेमेंट करके क्लियर करके अपना सामान निकलवा सकता है। ठीक, कोई दिक्कत आई क्या? मैं समझा नहीं। बच्चा बोल रहा है गुड्स की डेफिनेशन में सर आपने वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल को भी बोला है तो ड्यूटी उस पर भी लगती है। ऐसे तो बेचारा व्हीकल हर हफ्ते आएगा, मैंने उसको गुड्स की डेफिनेशन में माना है। मान लो हवाई जहाज आया और हवाई जहाज अब जाए ही ना, हम नहीं जाएंगे तो वो इम्पोर्ट हो गया ना। नहीं समझे? अगर हम उसको छोड़ दें तो बिना ड्यूटी लिए सब लोग मंगा लेंगे सामान। अगर तुमको जहाज मंगाना हो विदेश से तो क्या वो गुड्स नहीं है? है? अब तुमने जहाज खरीद लिया फॉरेन में और उस पर सामान लोगों का लादा और ले आए जहाज को और सामान उतार दिया, उस पर तो ड्यूटी लग गई। जो जहाज खुद खड़ा है उसको ड्यूटी तो लगा ही नहीं क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में है ही नहीं बेटा। तो क्या क्या वो ला सकता है? खुद भी आ सकता है और अपने साथ क्या क्या ला सकता है वो सब गुड्स है। अब समझ में आई? फ्यूल ले आया, टैंक ट्रंक रखे हुए बड़े बड़े, गैलन्स रखे हुए हैं, तेल अपने कंजम्पशन के लिए बेच दिया यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर के, क्या करोगे? नहीं मानोगे गुड्स तो बात खत्म। अरे वो खुद भी आ सकता है और क्या क्या ला सकता है? खुद आ सकता है मतलब जहाज, खुद भी आ सकता है, उसके अंदर जो जो आ सकता है वो सब गुड्स मान लो ना। और किस पर ड्यूटी लगानी हो तो बात का मैटर है। क्लियर है? चलें आगे। अब आते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर। किस पर? बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर होता है। जैसे तुम लोग को यहां से सामान कानपुर भेजना हो, यहां दिल्ली से सामान आपको लुधियाना भेजना हो, या सामान आपको कहीं और भेजना हो, सेम वही प्रोसीजर एक्सपोर्ट का भी होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? आपको सामान भेजना है आउटसाइड इंडिया तो जो इंपोर्टर होगा सबसे पहले उसका काम स्टार्ट होगा। किसका काम स्टार्ट होगा? सुन, किसका काम स्टार्ट होगा? इंपोर्टर का। हाँ भाई, और क्या बोले? इंपोर्टर का काम स्टार्ट होगा। मैं सामान भेजना चाहता हूँ तो मेरा काम सबसे पहले स्टार्ट होगा। मेरा काम, मैं सबसे पहले शिपिंग बिल बनाऊंगा या बिल ऑफ एक्सपोर्ट बनाऊंगा कि ये सामान मेरे यहां से निकल रहा है, मैं एक्सपोर्टर हूं। सबसे पहला काम मेरे यहां से शुरू होगा। ये थोड़ी सरकार आकर हमको कहेगी सामान नहीं निकाल रहे हो। अरे उसको क्या मालूम, हम अपना इंपोर्टर हैं, हम तो खुद पहले भरेंगे ना शिपिंग बिल, तब तो गवर्नमेंट जानेगी कि हाँ ये वो बंदा है जो सामान एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। तो अब उल्टा चलो, अब तक वहां लास्ट में इंपोर्टर का काम आता था, अब यहां इंपोर्टर पहले स्टार्ट होता है एक्सपोर्ट पे।
सबसे पहले इंपोर्टर, अरे सॉरी एक्सपोर्टर, सॉरी एक्सपोर्टर का काम है, एक्सपोर्टर ने शिपिंग बिल भरा कि हम क्या क्या सामान यहाँ से भेजना चाहते हैं, किस क्वांटिटी में, किस क्वालिटी का, वो सारी चीज़ें यहाँ बिल ऑफ एक्सपोर्ट भरेगा और प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा, किसके पास जाएगा कि हम ये सामान एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर ऑफिसर, अब वहाँ पर तो जहाज रखे होंगे कहीं, भाई जहाज रखे होंगे कहीं, जा रहे होंगे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, तो उस पर मेरा सभी सामान लदाएगा, लोड होगा, लेकिन कैसे, ऐसा नहीं कि किसी भी जहाज पर सामान लोड कर, किसी भी जहाज पर सामान को लोड कर दिया जाए, उस जहाज का पर्सन इंचार्ज इधर आएगा, किसके पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास, वहाँ से क्लियरेंस मिलेगा उसको, ये लो भाई फलाने आदमी का सामान है, जाकर जहाज में लोड कर लो, तुम्हारी डिटेल्स मैंने इसमें भर दी। अब तुम लोग ट्रेन में जाते हो, ऐसा थोड़ी टिकट ले लिया, किसी भी ट्रेन में चढ़ गए, उसमें नाम लिखा रहता है आपको इस ट्रेन में चढ़ना है कि नहीं, आप उसी ट्रेन में चढ़ोगे, टीटी आएगा मैच करेगा, हाँ आप उस वही बंदे हो, कोई दूसरे नहीं, टिकट तो मैंने ली, मेरी ट्रेन छूट गई थी, हम इस ट्रेन में चढ़ गए, ऐसा नहीं होगा, नहीं समझ में आई बात, एकदम नॉर्मल रूल, जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का आदमी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेवल करता है तो इतने सारे रूल लगते हैं, तो सोच लो जब एक्सपोर्ट करेगा तो क्यों नहीं लगेगा, क्लियर। पहला, द एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिकली टू अ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ अ कस्टम शिपिंग बिल, इलेक्ट्रॉनिकली भर सकते हो, एंड अ बिल ऑफ एक्सपोर्ट अगर आप व्हीकल से जा रहे हो तो, जैसे इम्पोर्ट मैनिफेस्ट था और इम्पोर्ट रिपोर्ट था, उसी तरह शिपिंग बिल, शिपिंग शिप और एयरक्राफ्ट, शिपिंग बिल शिप के लिए और एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन व्हीकल के लिए बिल ऑफ एक्सपोर्ट, एन एक्सपोर्ट एंटरिंग एनी एक्सपोर्ट गुड सेल्फ एसेस एंड पे द ड्यूटी, वो अपने आप सारी इंफॉर्मेशन लिखेगा, ये सामान मैं भेज रहा हूं एक्सपोर्ट में, इतनी ड्यूटी बनती है, इतनी ड्यूटी हम पे करने को तैयार है। इफ एनी लेवियबल ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, अब ऑर्डर लेना पड़ेगा हमको कि सामान विदेश चला जाए, और ऑर्डर तभी मिलेगा जब कस्टम ऑफिसर इस चीज से सेटिस्फाइड हो जाए कि जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है, वो स्पेसिफाइड गुड्स नहीं है, पक्की बात है। वेयर द प्रोफेसर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट आर नॉट प्रोहिबिटेड गुड्स एंड द गुड्स आर ड्यूटी पेड गुड्स, जो अगर ड्यूटी पे की जानी है तो ड्यूटी पे हो गई है, ही पास ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ द गुड्स एंड फॉर एक्सपोर्टेशन कॉल्ड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, वो एक ऑर्डर पास करेगा कि अब इस ऑर्डर को हो जाने दो, एक्सपोर्ट हो जाने दो। एक सबसे बड़ी बात ये याद रखना, इम्पोर्टेशन में तो बहुत ही चिल्लम चिल्ली है, लेकिन एक्सपोर्ट में उतनी चिल्लम चिल्ली हमारा मारी नहीं है, आपका कम फॉर्मेलिटी में सामान एक्सपोर्ट हो जाता है, एवन अगर आपने ड्यूटी नहीं भी पे की है तो केवल इस कारण आपका एक्सपोर्ट नहीं रोका जा सकता मैक्सिमम केसेस में। यानी एक्सपोर्ट प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, तुमको एक्सपोर्ट करना है कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बस ऑर्डर ले आओ एक्सपोर्ट करो, अरे मजाक नहीं कर रहा, बहुत आराम से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है ना। ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड, जिस तरह आने पर इंपोर्ट के समय एंट्री इनवर्ड होता है, जाने पर एंट्री आउटवर्ड, बिना एंट्री आउटवर्ड के, जिस तरह बिना एंट्री इनवर्ड के सामान को जहाज से नीचे नहीं लाया जा सकता, अनलोड नहीं किया जा सकता, उसी तरह बिना एंट्री आउटवर्ड के सामान को लादा नहीं जा सकता। यानी एंट्री आउटवर्ड बताता है किस जहाज पर सामान जाएगा, कौन पर्सन इंचार्ज होगा और कब सामान जाएगा, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एंट्री आउटवर्ड। Until the master of a vessel shall not permit the loading of any export goods until the proper officer grant entry outward to such vessel. अब देखो importer आया, अपना shipping bill दिया, bill of export दिया, duty pay किया और चला गया। अब वो ये मान लिया कि अब यहाँ से सामान चला जाएगा, ऐसा थोड़ी मेरे आंखों के सामने सामान जहाज पर रख दो तो हम देखें, ऐसा नहीं होता। तुम लोग अगर पोस्ट करने जाते हो तो ऑफिसर को देकर चले आते हो, ऐसा थोड़ी किस ट्रेन में जा रहा है, कब जाएगा, साथ साथ हम भी जाएंगे, कुछ नहीं, आपने वहाँ सामान रखा, आपने ड्यूटी पे की, नॉर्मल प्रोसीजर, और आप अपने घर चले गए, अब आपका टाटा और बाय बाय। अब यहाँ से काम शुरू होगा प्रॉपर ऑफिसर का और पर्सन इंचार्ज का। प्रॉपर ऑफिसर वो डिटेल बनाएगा सारा
और एंट्री आउटवर्ड देगा उस ड्राइवर को यानी पर्सन इन चार्ज को, पर्सन इन चार्ज वो सामान उठाएगा अपनी अपनी जगहों से और अपने जहाज पर ला देगा। अब क्लियर है, अब इंपोर्टर का काम, एक्सपोर्टर का काम खत्म। लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन कन्वेंस फॉर एक्सपोर्टेशन, द एक्सपोर्ट गुड शैल बी लोडेड ऑन द कन्वेंस फॉर एक्सपोर्टेशन विद द परमिशन ऑफ पर्सन इन चार्ज, ही शैल नॉट द परमिट द लोडिंग एट अ कस्टम स्टेशन अनटिल और अनलेस अ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट और अ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट एज द केस में बी ड्यूली पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर। देखो ना, जो एक्सपोर्टर ने बिल ऑफ एंट्री दी थी, बिल ऑफ एक्सपोर्ट दिया था या शिपिंग बिल दिया था, जब तक वो पास ना हो जाए, अरे पास होने का मतलब हाँ सामान ठीक है, प्रोहिबिटेड नहीं है, ड्यूटी पेड गुड्स है, हो चुकी है ड्यूटी, अब इसका सामान को लेट एक्सपोर्ट बिल ऑर्डर दे दिया, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, अब ऑर्डर को क्लियर हो जाने दो, यानी एंट्री आउटवर्ड दे दिया, ठीक है ना। डिलीवरी ऑफ एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और रिपोर्ट, द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस कैरिंग एक्सपोर्ट गुड्स, जो सामान ले जाएगा जहाज वाला वो सारी डिटेल बनाएगा, वो कौन कौन सा सामान ले जा रहा है उसकी सारी डिटेल बनाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट बनाएगा ना, और वो दे देगा किसको, प्रॉपर ऑफिसर को। डिलीवरी ऑफ एक्सपोर्ट मैनिफेस्टो रिपोर्ट, नो कन्वेंस टू लीव विदाउट रिटर्न ऑर्डर, अब उसके बाद सामान लद करके खड़ा हो जाएगा वहीं पर, अब जहाज जाने वाला नहीं कहीं तब तक जब तक उसको ग्रीन सिग्नल, अब रेलवे स्टेशन पर रेल खड़ी है उस पर सामान हम लोग लद गए, अब ऐसा थोड़ी सब लद गए सब आ चुके, हाँ आ चुके चल चलो रेड सिग्नल है चल चलो, अरे जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा सारे लोग आकर बैठ गए तब भी गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है, तो बिना परमिशन के गाड़ी आगे नहीं चलेगी। द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस विच हैज लोडेड एनी एक्सपोर्ट गुड एट अ स्टेशन शैल नॉट कॉज और परमिट द कन्वेंस टू डिपार्ट, तब तक डिपार्ट नहीं करेगा पर्सन इन चार्ज फ्रॉम दैट कस्टम स्टेशन अंटिल अ रिटन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट हैज बीन गिवन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। कितना सिंपल है, जो हम लोगों ने इंपोर्टेशन के बारे में पढ़ा सेम वही चीज एक्सपोर्टेशन के बारे में पढ़े, लेकिन वहां से स्टार्ट हुआ पर्सन इंचार्ज से, खत्म हुआ इंपोर्टर पर, यहां स्टार्ट हुआ एक्सपोर्टर से और खत्म हुआ पर्सन इंचार्ज पर, क्लियर है। वहां पर हम लोग कौन सा इंपोर्ट मैनिफेस्ट भरते थे, यहां एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट भरते, वहां हम लोग इंपोर्ट रिपोर्ट देते थे, यहां बिल ऑफ एक्सपोर्ट देते, क्लियर है भाई। वहां पर जब सामान वहां से आता था तो कौन सा बिल देते थे, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, और यहां एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, बिल ऑफ एंट्री होती है यहाँ पे, बिल ऑफ एंट्री, और यहाँ पर शिपिंग बिल जाता है, वहाँ एंट्री इनवर्ड मिलती थी, यहाँ एंट्री आउटवर्ड मिलती है। लेट्स बोलो कोई दिक्कत है, एक बार आप किताब को ले, कोई पॉइंट ना समझ में आए तो हमसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में एक बार और पूछ सकते हैं अगर कहीं कोई डाउट हो तो। एक पॉइंट आएगा, आप लोग देखे होंगे जहाज डूब रहा था, जहाज डूबने से बचाने के लिए जहाज के अंदर जो सामान है बाहर फेंक दो, नहीं पक्की बात है ना, जहाज तब भी डूब रहा था नहीं, उसके अंदर जो फ्यूल है जो गैलन है ऑयल वगैरह उसको फेंक दो, हाँ या ना। दूसरा, जहाज तब भी डूब रहा था तो दो रास्ते हैं, खुद भी साथ में डूब जाओ या जहाज को बिना अटेंड किए छोड़कर भाग जाओ, भाग तो गए लेकिन जहाज तब भी डूब रहा था, और जब जहाज डूबेगा तो टूटेगा जरूर मान लेते हैं, क्लियर है, टूटेगा तो कई हिस्सों में बटेगा और सामान उसका फैल जाएगा। अब जो सामान फेंका गया था वो तैर तैर कर हो सकता है इंडिया का बॉर्डर पार कर जाए, अंदर आ जाए और कोई आदमी उसको ले ले, या हो सकता है जो गैलन फेंका गया था तेल, तेल बहता बहता, तेल की एक लेयर होती है पूरी, ऑयल की हैवी ऑयल है उसकी पूरी एक लेयर है, पानी में मिक्स नहीं हो रहा, तो लोग उसको निकाल निकाल कर बेचेंगे बेचेंगे ले जा रहे हैं, नहीं समझे। तीसरा करे समझ
बहुत फायदा करेगा लाइफ में, जब तेल कभी मिलेगा ना तुमको बाल्टी ले जाना कर समझ रहे। तीसरा हाँ, जहाज तब भी डूब रहा था, अनअटेंडेड जहाज को छोड़ दिया गया वहीं पर, अटेंड ना करके उसको जो उसका पर्सन इंचार्ज था छोड़कर भाग गया टाटा और बाय बाय। जहाज तैरता तैरता किनारे आ गया, पक्की बात है। और लास्ट जहाज अंदर डूब गया, टूट गया कई टुकड़ों में, कुछ टुकड़े उसके बिखर बिखर करके किनारे पर आ गए। तो ये केसेस हैं, इनको टेक्निकल टर्म्स में क्या नाम दिया गया है जरा देखते हैं। पहला है डेरेलिक्ट, दिस रेफर्स टू एनी कार्गो और वेसल, कार्गो यानी सामान, वेसल यानी जहाज, कार्गो एंड वेसल दोनों की बात कर रहा है, एक्सेट्रा, अबेंडन इन द सी विद नो होप ऑफ रिकवरी, छोड़ दो जहाज को, डेरेलिक्ट आए ना। अगर हिम्मत है तो वापस आके दिखाओ, बोल सकते हो डेयर, अगर हिम्मत है तो वापस आके दिखाओ। तो विदाउट होपिंग ऑफ रिकवरी। जेटसेम दूसरा, जेटसेम, दिस रेफर्स टू गुड्स जेटसन फ्रॉम द वेसल टू सेव हर फ्रॉम सिंकिंग, यानी जहाज को डूबने से बचाने के लिए हमने सामान को फेंक दिया, आया ना, पक्की बात है ना। अच्छा, तीसरा फ्लोटसम, फ्लोटसम का मतलब होता है जेटसन गुड्स विथ कंटिन्यू फ्लोटिंग इन द सी आ कॉलिंग फ्लोटसम, जो सामान आपने फेंके, जो सामान आपने फेंके वो जेटसम था। हो सकता है सामान डूब जाए, हो सकता है तैर तैर कर, तो जो तैरता हुआ आएगा उसको हम फ्लोटसम बोलेंगे, क्लियर है। और लास्ट है आपका रैक, रैक मतलब टूटना, दिस रेफर्स टू कार्गो और वेसल ऑफ ए और एनी प्रॉपर्टी विच आर कास्ट एश्योर बाय टाइड्स आफ्टर शिप रैक, ठीक है ना, जहाज टूटा और सामान उसके किनारे आ गए टूटे हुए। तो ये चार चीजें होती हैं, तो क्या इन पर ड्यूटी चार्ज हो जाएगी? हाँ, इंपोर्ट हो गया ना, हिंदुस्तान में आ गया और तुमने उस इंपोर्टेड गुड्स को बाल्टी में भर लिया, इसको वैसे ही डील किया जाएगा जैसे इंपोर्टेड गुड्स को डील किया जाता है, यानी ड्यूटी चार्ज की जाएगी। अब मैं थ्योरी पढ़ता हूं, ऑल गुड्स, ऑल गुड्स, सुन, गुड्स की बात बोला है, वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, व्हीकल हो, स्टोर्स हो, बैगेज हो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो या फिर एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी आइटम्स हो, कहा गया ऑल गुड्स डेरेलिक्ट जेटसम फ्लोटसम एंड रैक ब्रॉट और कमिंग इन टू इंडिया, चाहे वो अपने आप आया हो चाहे उसको लाया गया हो, शैल बी डील्ड विद एज इफ दे वेर इम्पोर्टेड इन टू इंडिया, उसको वैसे ही डील किया जाएगा जैसे इम्पोर्टेड गुड्स को डील किया जाता है। दस एवन दो सच गुड्स हैड नॉट बीन एक्चुअली इम्पोर्टेड दे वुड बी लाइबल टू इम्पोर्ट ड्यूटी, भले ही उनको इम्पोर्ट किया जा रहा था नहीं किया जा रहा था डजंट मीन एट ऑल, लेकिन अब उसको इम्पोर्टेड गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। हाउएवर इफ सच गुड्स आर इंटाइटल्ड टू बी एडमिटेड ड्यूटी फ्री अंडर दिस एक्ट ड्यूटी वुड नॉट बी लेविड प्रोवाइडेड इट इज शोन टू द सेटिस्फेक्शन दैट दे आर सो इंटाइटल्ड, अगर कोई सामान हमें ऐसा मिल गया जिस पर ड्यूटी नहीं जाती है और अगर हमने उसकी ड्यूटी प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया कि जो सामान हमारे हाथ में वो ड्यूटी फ्री है, ड्यूटी नहीं लगती है, ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड है, तो वो भी उस पर चार्ज नहीं करेगा ड्यूटी। दैट्स इट, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में ढंग से सुनेंगे, हम लोग के दो केवल ट्रीटमेंट बचे, एक तो वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड कस्टम ड्यूटी नॉट टू बी लेवियबल इन सर्टेन सर्क्यूमस्टांसेस, कस्टम ड्यूटी नॉट टू बी लेवियबल ऑन सर्टेन सर्क्यूमस्टांसेस, कौन से सर्टेन सर्क्यूमस्टांसेस है? नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स, पिल्फर्ड का मतलब जानते हो, चोरी चोरी, छोटी छोटी चोरी छोटी स्मॉल आइटम्स में चोरी करना, पिल्फर्ड गुड्स, नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स, रिड्यूस्ड ड्यूटी ऑन डैमेज्ड गुड्स, अगर डैमेज गुड्स है उसकी कुछ वैल्यू है तो उसकी ड्यूटी कम कर देंगे, हाँ पूरी तो नहीं लेंगे क्योंकि सामान टूट गया है, एक तो सामान टूटा हुआ इंपोर्टर को दे रहे हैं, ले तेरा सामान आया ये क्या टूट गया ड्यूटी पूरी दो, अरे वो झगड़ा करना शुरू कर देगा,
नहीं तो रिड्यूस कर देंगे, झगड़ा मत कर, ड्यूटी कम कर दे। रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन डिस्ट्रॉयड गुड्स, अगर सामान डिस्ट्रॉय हो गया तो ड्यूटी माफ कर देंगे, डैमेज्ड गुड्स में रिड्यूस कर देंगे, जो सामान चोरी हो गया उस पर ड्यूटी नहीं लगाएंगे, जो सामान डैमेज हुआ है ड्यूटी कम कर देंगे, और जो सामान डिस्ट्रॉय हुआ है उस पर ड्यूटी माफ कर देंगे, और नो ड्यूटी ऑन रेलिंक्विशमेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड्स। अगर सामान आया है, सुन, अगर सामान आया है पोर्ट पर रखा हुआ है, हमसे कहा गया 50 लाख लाओ ड्यूटी का ले जाओ, हमने कहा मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है, मैं 1 रुपया नहीं दे सकता, मैं 1 रुपया नहीं दे सकता, तो अब उस सामान का ओनरशिप कस्टम ऑथोरिटी के पास चला जाएगा, वो हमसे अब ड्यूटी नहीं मांगेंगे क्योंकि हमने उस पर अपना अधिकार छोड़ दिया। तो अगर किसी सामान पर आपने अधिकार अपना छोड़ दिया तो उस पर ड्यूटी नहीं चार्ज की जाएगी। नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स, नो ड्यूटी, रिड्यूस्ड ड्यूटी ऑन डैमेज्ड गुड्स, नो ड्यूटी ऑन डिस्ट्रॉयड गुड्स एंड नो ड्यूटी ऑन द गुड्स रेलिंक्विश्ड। क्लियर है, पक्की बात है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इन चारों के बारे में, वैल्यूएशन और टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, दैट्स इट, ये 3 टॉपिक हम लोग के बचे। बोलो, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, कहीं भी थोड़ी भी दिक्कत हो तो बोलो, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तुम लोग का कस्टम है ना, सिंपल, सबसे सिंपल है, अगर एग्जाम में आता है तो बैठे बैठे मार्क्स, बोनस मार्क्स मिलते हैं। प्रोहिबिटेड गुड्स हम लोग बिल्कुल मना ही है लाने ले जाने पर, चरस गांजा इम्पोर्ट करना चाहते हो, नहीं इम्पोर्ट करना चाहते हो, मना है ना, एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन दोगे, जब एक्सपोर्ट करने की परमिशन दोगे तो यहाँ पर इसका मतलब आप बिजनेस करने को परमिशन दे रहे हैं, तो वो प्रोहिबिटेड गुड्स ना लाओ ना ले जाओ। नोटिफाइड गुड्स लाना नहीं है, स्पेसिफाइड गुड्स ले जाना नहीं है। अब किस कंट्री में है तो मैं कह रहा हूँ किसी कंट्री में अलाउड है, यहाँ तो अलाउड नहीं है ना, तो इम्पोर्ट कर लोगे, प्रोहिबिटेड है, एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते अगर अलाउड नहीं है तो, तुम्हें अपने से मतलब है ना। थैंक यू बच्चों।